इस सदन के गरिमामय इतिहास में आज पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से मैं डाइट चार्ट्स फॉर प्रेग्नेंट विमेन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। आपको ज्ञात है अध्यक्ष जी, 22 नवंबर 2019 में प्रश्नकाल के दौरान आपने स्वयं हमारे विभाग को आदेश दिया था कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सरकार ये प्रयास करे कि क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का संकल्प एक डाइट चार्ट के रूप में सदन के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाए। आपके आदेश अनुसार मंत्रालय में एक समिति का गठन कर इसमें राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को सम्मिलित किया गया और उनके प्रयासों के बाद आज क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट चार्ट पहली बार इस सदन के इतिहास में मैं प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाई हूँ। इस अनोखी सोच के लिए आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मात्र एक और निवेदन करना चाहूँगी। आप सबको ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प कि भारत में कोई भी महिला और बच्चा कुपोषित ना हो, इस संकल्प के साथ पोषण अभियान की 8 मार्च 2018 को शुरुआत की गई। तत्पश्चात सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों से मेरा निवेदन है, सितंबर के इस महीने में कोविड प्रोटोकॉल के चलते चाहे जितनी भी चुनौतियाँ हों, हमारे सम्मानित सांसद अपने अपने गृह ज़िले में, लोकसभा क्षेत्र में पोषण अभियान में अपनी भूमिका सतत निभाएंगे, ये विश्वास व्यक्त करती हूँ। मात्र इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, इन विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की सरकारों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि सितंबर 14 यानी कल तक देश भर में 1,35,00,000 विविध गतिविधियाँ की गई ताकि पोषण अभियान का ये संदेश घर घर प्रदेश की सरकारें पहुंचा सके। आपका सानिध्य और सांसदों का सदैव इसमें हमें सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ मैं निवेदन को अपने समाप्त करती हूं अध्यक्ष जी, और आपकी अनुमति से नियमानुसार इसको सभा पटल पे प्रस्तुत करूंगी।